रात के 12 मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही है और कल टीचर्स डे भी है। इतनी खुशी। पिछले साल में प्रिंसिपल बना था, इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे स्कूल का नाम है आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल और ये चलता है प्योरली डेमोक्रेटिक स्टाइल में। मैं और मेरे दोस्त ने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी। लगभग 250 से 300 बच्चों ने एप्लीकेशन दी। उसके लिए हमारे यहाँ एक कमेटी फॉर्म की गई और हर बच्चे का डेमो लिया गया। हर बच्चे ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, उसमें से फिल्टर करके कुछ बच्चों को चूज किया गया। मैंने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इस साल अप्लाई किया था। मेरी तरह मेरे दोस्तों ने भी अप्लाई किया। इवन दो स्कूल मेरे फादर का ही है, लेकिन हमारा स्कूल नेपोटिज्म पर नहीं चलता है। क्या बात है सर। मैंने भी डेमो दिया और मेरे दोस्तों ने भी डेमो दिया। मेरे और मेरे दोस्त के मार्क्स सेम आए थे। कमेटी कंफ्यूज हो गई थी कलेक्ट किया जाए, तो मेरे फादर ने सजेशन दिया कि वी शुड गो विथ वोटिंग। और मेरे फादर क्योंकि प्रिंसिपल भी है, वो वोटिंग से दूर रहे, इसका वीडियो मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। और मैं 3 वोटों से हार गया और मेरे दोस्त प्रिंसिपल बन गए। फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल्स रूट वैल्यू। स्कूल इज टीचिंग मी द डेमोक्रेटिक स्टाइल। आई एम विशिंग अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई टीचर, स्पेशली टू माई फादर हु इज माई टीचर, अ मेंटर, अ गाइड एंड अ फ्रेंड ऑल्सो, माई कोच एंड माई गुरु, जिन्होंने मुझे डेमोक्रेसी सिखाई, अपनी जीत का जश्न मनाना और अपनी हार से सीखना सिखाया। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। ओके गाइस, सुबह मिलते हैं, टिलन बाय। मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही, सुबह नए नए टीचर्स रहेंगे। हैप्पी टीचर्स डे टू माय ऑल माय टीचर्स। फॉर प्रिंसिपल फॉर एंड आई एंड सोफिया मरबैया गॉट सेम पॉइंट्स, सो दैट्स व्हाई वी डिड इलेक्शन। यस, देन नाउ इलेक्शन इज गोइंग ऑन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, सो यू आल्सो वांट टू बी प्रिंसिपल एंड ही आल्सो वांट टू बी प्रिंसिपल। यू आल्सो गॉट सेम वोट, सेम मार्क्स एंड यू आल्सो गॉट ये मेरा आउटफिट आज के लिए। अब जाना है टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है। पिछले साल हमारे दोस्त घर पर आए थे लेकिन अब कोई भी नहीं आया। दोस्तों मैं बन गया वाइस प्रिंसिपल और पहुंच गया स्कूल, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमारे सुपरिंटेंडेंट और प्रिंसिपल सर। तो काशी पे आज के सुपरिंटेंडेंट और मैंने आज के प्रिंसिपल सर। गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम था यार। बस हवा निकल गई। टीचर्स के लिए हमें ह्यूज रेस्पेक्ट है। और लास्ट ईयर तो ये बहुत ही हार्ड था, लेकिन इस साल थोड़ा इजी है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। अरे कहना क्या चाहते हो? Sure.